हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। लघु पराशरी लर्निंग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम श्लोक नंबर 5, स्टेंजा नंबर 5 का इंटरप्रिटेशन देखेंगे। जैसे कि मैंने अर्लियर बताया कि मैं कोई श्लोक पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन करने वाला हूं। श्लोक नंबर 5 को काफी इंपोर्टेंस दिया जाता है, एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं दृष्टि। देखिए, ग्रहों के नक्षत्र के हिसाब से चरण दृष्टिया भी होती है। ग्रह 27 नक्षत्र पे जिस नक्षत्र में बैठे वहां से नक्षत्र के हिसाब से दृष्टिया भी कंसीडर की जाती है। सो इस कंट्रोवर्सी को यहाँ पर लघु पराशरी ग्रंथ में ग्रंथकार ने सीधा हटा दिया और उन्होंने कहा कि आप हर ग्रह की पूर्ण दृष्टि को कंसीडर करें। पूर्ण दृष्टि, देखिए मैं लिख रहा हूं पूर्ण दृष्टि। अब आप कहोगे ये पूर्ण दृष्टि क्या है, प्लीज कंसीडर करिएगा। यहां मैं आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो ग्रह है, जितने भी प्लैनेट्स है, वो सारे प्लैनेट्स, वो सारे ग्रह अपने से सेवेंथ हाउस को दृष्टि देते हैं। मतलब अगर कोई प्लैनेट यहाँ है तो वो सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है। हर प्लैनेट अपने से सेवेंथ हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है, जैसे मैं भी आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहा हूं। पर यहां पर कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि शनि, जुपिटर और मार्स, इनको एक्स्ट्रा सुपर स्पेशल दृष्टि दी है। शनि को सात के अलावा सबसे छोटी दृष्टि 3 और सबसे बड़ी दृष्टि 10 भी है। मतलब अगर यहां पर मैं सैटर्न मानता हूं तो सैटर्न पूर्ण दृष्टि से सेवेंथ हाउस को तो देखेगा, उसके अलावा 1, 2, 3 थर्ड हाउस को भी देखेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाउस को भी देखेगा। जुपिटर को ट्राइन मिला हुआ है। जुपिटर अपने से पंचम और नवम, मतलब त्रिकोण को दृष्टि देता है। मतलब अगर यहां मैं जुपिटर को कंसीडर करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5th, 6, 7, 7 को तो देगा ही देगा, 8, 9 को भी जुपिटर एस्पेक्ट करेगा। और मार्स को सेवेंथ के अलावा, जैसे जुपिटर को मैंने बताया सेवेंथ के अलावा 5 एंड 9, और मार्स को सेवेंथ के अलावा 4 एंड 8, अगर मैं यहाँ मार्स को कंसीडर करूं तो सेवेंथ हाउस को तो एस्पेक्ट करेगा ही करेगा, पर उसके अलावा 1, 2, 3, 4th हाउस को भी दृष्टि करेगा, 5, 6, 7, 8 हाउस को भी दृष्टि, अपनी दृष्टि, अपना एस्पेक्ट देगा। तो यहां ग्रंथकार ने साफ ये बात कही है। देखिए, मैं अब यहां पर राहु केतु के अलावा जो ग्रह है उनकी बात कर रहा हूं, उन खगोलीय टुकड़ों की बात कर रहा हूं, वो सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहा हूं। सूर्य, चंद्रमा और बाकी के जो पांच खगोलीय टुकड़े हैं, विनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सन, मून, इनको पूर्ण दृष्टि है। सबके सब सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। जिस भाव में बैठे होंगे वहां से सेवेंथ हाउस को तो ये एस्पेक्ट करेंगे। इनमें सैटर्न, जुपिटर और मार्स को एग्जैक्टली एक्स्ट्रा सुपर स्पेशल एस्पेक्ट है। सैटर्न को सेवेंथ के अलावा 3 एंड 10, जुपिटर को बहुत बढ़िया ट्राइन 5 एंड 9, और मार्स को 4 एंड। सो होप आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा हो, और वेट करिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। नेक्स्ट एपिसोड से प्रेडिक्टिव टूल शुरू हो गए। सो वेट एंड वॉच। टाटा, बाय बाय, प्रणाम, बाय बाय।